भारत में त्योहारों का महत्व ही अलग है, लेकिन अगर बात हो दिवाली की तो दिवाली का त्यौहार बड़ी खुशी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मार्केट सजती हैं, लोग घरों को सजाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बड़ी सारी हर्ष और बड़ी सारी खुशियाँ होती हैं इस फेस्टिवल में। और अब जबकि लंबे अंतराल के बाद मार्केट खुल चुकी है, तो चलिए जानते हैं लोगों से इस बार वो दिवाली पर क्या खास करने जा रहे हैं और इस दिवाली को किस तरह से मना रहे हैं। यस मैम, तो दिवाली पे क्या खास खरीदा आपने? कपड़े। कपड़े और घर के लिए कुछ नहीं। अच्छा, दिवाली पे ना, दिवाली पे ये सबसे बड़ा होता है बात होती है कि घर की सफाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, तो पापा की परी ने उड़ उड़ के सफाई की है या आराम आराम से की? आराम आराम से की है। तो इन्होंने जो दिवाली की सफाई है पापा की परी ने उड़ के नहीं की है, आराम आराम से की है। अच्छा, इस बार दिवाली पे क्या खास करने वाली है, क्योंकि काफी लंबे अंतराल के बाद दिवाली का फेस्टिवल इतने जोरों शोरों धूमधाम से मनाने वाले हैं? क्या करेंगे मैम, आप आइडिया दे दो मुझे। अच्छा, घर वालों से कितने पैसे लिए शॉपिंग के लिए? कुछ नहीं। कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं। घर वालों ने बोला नहीं कि नहीं जी इतनी सफाई की है, इतना सब कुछ किया, पैसे दे दे? मैं खुद अन करके कर रही हूँ। खुद अन कर देखो, सफाई भी करा ली, पैसे भी नहीं मिलते कुड़ी को। जी बिल्कुल। आपसे पूछते हैं, आपका नाम? दमनप्रीत कौर। आपकी दिवाली की सफाई कैसे रही, ये सबसे पहले ये बता रही है। सफाई जोर जोर से चल रही है। और क्या, हाँ, पति की जेब की कितनी सफाई हुई? ये चल ही रही है पति की जेब की। अच्छा, बच्चे साथ। फेस्टिवल सीजन पे, खासकर दिवाली या करवा चौथ के सीजन पे ही ज्यादा पति की सफाई होती है जेब की, या ऐसे होती रहती है? नहीं, फेस्टिवल्स पे ज्यादा हो जाती है, उनकी पॉकेट ज्यादा लूज हो जाती है। अच्छा, घर की सफाई में मदद पति ने की मदद या अकेले कर रहे हो? अकेले ही कर रहे हैं, पति ने कोई मदद नहीं की? मदद नहीं, यहाँ तक शॉपिंग तक मदद होती है बस। सिर्फ अच्छा, क्रेडिट कार्ड दिया उन्होंने या कैश दिया? कैश चल रही है। क्रेडिट कार्ड नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था ये शॉपिंग करने जाएंगी और मेरा क्रेडिट कार्ड अच्छी खासी लिमिट एक्सीड करके आएंगी। तो उड़ उड़ के सफाई की? जी मैम, उड़ उड़ के सफाई की। तभी शॉपिंग पे पहुंचे आज। अच्छा, घर वालों ने बोला होगा, देखो जी पति ने बोला, देखो मेरी बीवी ने उड़ उड़ के सफाई की है, इतनी मेहनत की है, शॉपिंग के लिए पैसे खुले दो। अब तो क्या शॉपिंग की, मेन मुद्दे पे आते हैं मैम। शॉपिंग की सूट्स वगैरह, बच्चों के कपड़े, किड्स, बस यही चल रहा है सब कुछ। छोटू, आपको पता नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, शर्मा आ गया, मम्मी कितना नहीं है, उसको पैसे नहीं मिले। चलिए शुक्रिया मैम। आपका नाम? मेरा नाम रेनू। तो दिवाली की शॉपिंग चल रही है? यस मैम। क्या खरीदा इस बार दिवाली पे? यहाँ पे पेंडेंट सेट देखने आई हूँ मैं। अच्छा, ले लिया आपने? लग तो खूबसूरत रहा है, जितने खूबसूरत आप उतना आपका पेंडेंट सेट। तो मैरिड है? यस मैम। तो पति ने पति की जेब ढीली कर दी? हाँ जी। दिवाली पे, करवा चौथ पे भी की, दिवाली पे भी की? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, दिवाली पे सिर्फ पति की जेब ही ढीली की या घर की साफ सफाई भी की? नहीं, घर की साफ सफाई भी की है। शॉपिंग चल रही है, ऑलमोस्ट डेड हो, खत्म होगी साफ सफाई? हाँ जी। तो अब शॉपिंग की तरफ मूव ऑन, देख लीजिए, औरतों का मेन यही काम होता है, घर की पहले साफ सफाई करें, फिर पति की जेब की साफ सफाई करें, देन उसके बाद शॉपिंग पे निकले। शॉपिंग इस बार लंबे अंतराल के बाद जो है दिवाली इतने धूमधाम से मनाई जा रही है, तो इस बार क्या करने जा रही है स्पेशल दिवाली पे, पति को और खुश करने के लिए या फैमिली को खुश और करने? कुछ सोचा ही नहीं मैंने, शॉपिंग का सोच लिया उन्होंने। शॉपिंग का चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो लंबे अंतराल के बाद ये दिवाली अब आई है, जहाँ पर देखा जा रहा है मार्केट भी काफ़ी सजी है, मतलब लोगों के बीच में भी वो रौनक है कि अब जाएं मार्केट में खरीदें, मार्केट्स भी खुली हैं, नया नया सामान खरीदें। तो क्या इस बार लगता है कि जो ये 2 या 3 साल निकले हैं बिना दिवाली के, जहाँ इतना है, तो उसमें कितना फ़र्क देखने? बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है, लॉकडाउन की वजह से सब अंदर अंदर बोर हो रहे थे, अब खुश हुए हैं कि हम कुछ इंजॉय तो करें ना। अच्छा, जब पति से आपने पैसे मांगे कि मेरे को दिवाली के लिए खर्चा दो, या मैंने सामान खरीदना है, या मैंने ये घर की शॉपिंग करनी है, तो आपने बोला नहीं कि 2-3 साल से तो आपने कुछ दिया खर्चा किया ही नहीं था? एक्चुअली मैं लॉकडाउन में भी शॉपिंग करती थी अपने पति के साथ, ऑनलाइन ही हो जाती थी हमारी शॉपिंग। ये ठीक है, बाहर से भी शॉपिंग कर लो, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लो, पति की जेब तो कटनी कटनी है। चलिए और लोगों से जानते हैं कि कितनी और औरतों ने जेब काटी है इस बार दिवाली पर अपने पतियों की। मेरा नाम रोहित महाजन जी। इमेजिन, इस बार दिवाली काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अब मनाई जा रही है, और काफ़ी मार्केट में देखा जा रहा है कि हलचल भी है, लोग भी काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस है लोगों का? रिस्पांस अच्छा है, बाकी थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा कि जिस तरह से पहले दिवाली का मज़ा होता था वैसा नहीं है। क्यों? पहले दिवाली में ही लोग इलेक्ट्रॉनिक लेते थे, मोबाइल लेते थे, कपड़े लेते थे, लेकिन अब जैसे अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, कुछ ये ऑनलाइन साइट्स आ गई ना, उस कारण व्यापार पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है।
तो उस कारण पहले तो दिवाली के लोगों को क्रेज था कि उसी दिन ही हम शॉपिंग करेंगे, लेकिन जैसे पीछे फ्लिपकार्ट की सेल आ गई या अमेजोन की सेल आ गई, उससे थोड़ा सा मज़ा थोड़ा सा फीका रह जाता है इससे जी। तो हम ये कहते हैं कि आप मैसेज हमारा सबसे स्पष्ट मैसेज एक ही रहेगा कि हम लोगों से एक ही अपील करते हैं कि लोकल दुकानदार, क्योंकि हर दुकानदार की ना एक हर अपने खर्चे हैं, अपना एक सिस्टम है, कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल शॉपिंग करें, लोकल लोगों से शॉपिंग करिए, उनको भी रोज़गार मिलेगा, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ये हमारी सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं आपको। आपका नाम? मेरा नाम राजीव महाजन। राजीव, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद अब दिवाली का सीज़न फेस्टिवल आया है, तो क्या इस टाइम मार्केट पर रिस्पॉन्स? देखिए, मार्केट में जिस हिसाब से उम्मीद थी उसी हिसाब से काम मार्केट में निकला। सबसे बड़ा तो हम 370 का जो हम कहते हैं कि प्लस मिलेगा, उल्टा क्या हो गया कि दरबार मूव का जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो वहाँ के लोग वहाँ पर सेटल हो गए, यहाँ वाले लोग यहाँ सेटल हो गए। व्यापारी से होता ना मूवमेंट होता था लोगों का, वो मूवमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि हम लोगों ने 200 करोड़ बचा लिया, ठीक है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट के भी, बट 200 करोड़ बचाने के चक्कर में आपने कितने करोड़ों का नुकसान, ये कोई गवर्नमेंट कैलकुलेट नहीं कर रही। आज देखो एक व्यापारी के साथ में कितने व्यापार घूमे हुए, वो गवर्नमेंट कैलकुलेट नहीं कर रही। अब मल्टीनेशनल कंपनियों को, जैसे आपका जम्मू में जियो का मार्ट खुला है, आप इनको प्रमोट कर रहे हो, बट लोकल को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे? लोकल देखिए, जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, आज आने वाले समय में वो क्या होगा, बंद हो जाएंगे। बड़े बड़े आपको लोग बाहर के लोग आके सेटल हो रहे हैं, जम्मू वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आज आप देखेंगे जैसे फेस्टिवल के दिवाली के सीजन में छोटे छोटे दुकानदारों में एक त्यौहार का ना एक इंतज़ार रहता था, जैसे आप चौराहे पे दिए बेचने वाला देखा होगा आपने, हर किसी को एक इंतज़ार रहता है, टॉय वाला खिलौने वाला उसको एक इंतज़ार रहता है इस दिवाली का। बट जब बड़ी बड़ी नेशनल कंपनी आ जाएगी, आप लोकल को प्रमोट ही नहीं करोगे। एक रिक्वेस्ट आपके चैनल से मैं लोकल जितने भी जम्मू वासी आपके जो बाहर देखने वाले हैं, एक रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने भाइयों को लोकल दुकानदारों को प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप लोकल को प्रमोट नहीं करेंगे तो पैसा मार्केट में घूमेगा नहीं, जितना पैसा आपकी स्टेट से बाहर चला जाएगा। जैसे आप लोकल जम्मू में बैठे हो, चाहे श्रीनगर में बैठे हो, चाहे पंजाब में बैठे हो, जिस किसी का भी जो भी बिजनेस है, उस अपने आसी पड़ोसी से व्यापार में कोई भी प्रोडक्ट खरीदे जिससे उसको भी दिवाली मनाने में खुशी आए, क्योंकि दिवाली हमारी या आपकी नहीं, दिवाली सबकी है। चाहे आप ईद मनाते हैं, ईद में आपकी दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्यौहार हो, अपने आसी पड़ोसी से गए। आजकल चलन क्या गया, मोबाइल निकालते हैं, ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, इवन कि ऑनलाइन हम लोग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, पर कि ऑनलाइन करने का मकसद ये नहीं कि हम लोकल को प्रमोट करना छोड़ दें। हमारा मोटिव है कि लोकल को अगर हम लेके चलेंगे तो देश तरक्की करेगा। सुनीता जी, दिवाली की शॉपिंग चल रही है? हाँ जी। और दिवाली की शॉपिंग पे मेरे को एक चीज बताइए, दिवाली पे सबसे बड़ा काम होता है साफ सफाई का, तो आपकी बेटी भी आपके साथ है, पापा की परी ने कितनी सफाई कराई आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं कराई। नहीं। अच्छा, तभी वो अपने कैमरे से भाग रही है कि मैंने तो सफाई कराई नहीं, मम्मी आप मेरे को घर पे जाके धोएगी। हाँ। तो आपका नाम क्या है? कन्नम। तो आपने सफाई नहीं कराई मम्मा के साथ? सफाई, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, सफाई भी करेंगे जब थोड़े नियर डे आएंगे तब। ठीक है, जब सफाई की बात आती है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। है, कौन से एग्जाम दे रहे थे आप? मैं कॉलेज के। कॉलेज के एग्जाम? कौन से कॉलेज में हो? वुमेन कॉलेज गांधीनगर। तो कौन से ईयर में हो? मैं सेकंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर। अच्छा, तो आप तो दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, आप कौन सी सब एग्जाम दे? पढ़ना होता है, इसलिए पढ़ना होता है। ये सही है, जब सफाई की बात आती है तो बीच में बोल देती है लड़कियां, जी साढ़े एग्जाम चल रहे, अही नहीं है, अभी पढ़ना है साढ़े। अच्छा, लास्ट टाइम कितने मार्क्स आए थे? मेरे 88%। ठीक है यार, पढ़ने वाली लड़की है, पढ़ने वाली है। अच्छा, आगे जब ये एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मम्मी के साथ सफाई करानी है? बिल्कुल करवाऊंगी। पापा की जेब की कितनी सफाई होती है? पापा की जेब की सफाई लगातार चल रही है, लेकिन घर की सफाई में कोई मदद नहीं करनी हो, जब मदद करने की बात आती है तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरा सेमिनार है, ये है ना? बिल्कुल, ये मत डालो मेरे कॉलेज वाले। गौर से देखो इस लड़की को, जिसने अपनी मम्मा के साथ 1% भी मदद नहीं की है। मम्मा बेचारी कह रहे थे, उन्होंने बता दिया आपने सफाई नहीं की है। वो तो मैंने की नहीं, इसीलिए देख लो, खुद भी मान लिया। अच्छी बच्ची है, मान गई। अच्छा, नाम? सुकृति। आपका नाम? नव्या। दिवाली की शॉपिंग क्या चल रही है अभी? चल रही है रंगोली, दिए वगैरह। सफाई की घर पर? सफाई नहीं, कुछ भी नहीं। सफाई कोई भी नहीं करती, बनी हुई पापा की परी है। कोई पापा की परी नहीं है यहाँ पे। कोई परी नहीं है, पापा ने पैसे नहीं दिए लगता। इस बार पापा ने पैसे नहीं दिए तभी पापा की परी है ना, कट्टी पापा के साथ। नहीं दिए पापा ने पैसे? नहीं, बिल्कुल दिए। फिर भी अपने भी है, बट अपने भी है। अच्छा, अपनी भी और पापा से भी उधार ले लिए हैं। क्या स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के। शॉपिंग क्या क्या करनी है? पड़ता है शॉपिंग, यही मिठाइयाँ और दिए वगैरह। और क्या, मिठाई का काम तो पापा का होता है? नहीं, यहाँ मैंने लिया हुआ है।
अच्छा आपने लिया हुआ हा? पापा ने किस चीज के लिए पैसे दिए थे? पापा ने बोला जो मर्जी हो उनका क्या है उनका उसका। बोल रही थी पापा ने पैसे नहीं दिए, अभी बोला है पापा ने पैसे दिए, बोला जो मर्जी खरीदो। तो सफाई नहीं कराई मम्मा के साथ? करवा देंगे, अभी हैं दो दिन। अच्छा अभी है दो दिन, दो दिन में सफाई क्या ही करोगे? सफाई कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ? क्या करने मतलब घर में कुछ तो होगा, मम्मी ने बोला नहीं पूरा दिन बाहर घूमती रहती है, सफाई नहीं करा रही मेरे साथ। मैं बताया मैं बाहर घूमती हूँ पूरा दिन। आज बताऊंगी, मैं बताऊंगी। आंटी आप अपनी बेटी को देख रहे हो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में, आपकी बेटी बोल रही कि मेरी मम्मी को नहीं पता मैं बाहर घूम रही हूँ। मैंने बोला मेरी मेरी मम्मा बोल रही। अच्छा आंटी आप इधर ही हो, सॉरी आंटी नमस्ते। अच्छा आंटी से भी पूछ रहे हैं, आंटी जी आपसे आपसे क्या सफाई कराई इन्होंने आपके पास? सब कुछ किया, सब कुछ किया। हाँ। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा आपने घर पे सफाई कराई, कहते मैंने कराई नहीं, दो दिन पड़े हो। ऐसे ही जॉब करती है ना इसलिए तभी। अच्छा, जॉब करती है इसलिए सफाई नहीं की। चलिए ठीक है, दिवाली आपकी सबकी बहुत मजेदार हो, थैंक यू। तो पटेल बाजार में हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ व्यापारियों से बात की, लोगों का मिला जुला रुझान है इस बार दिवाली कैसी मनाई जाएगी। इस बार दिवाली थोड़ी खट्टी मीठी ही रहेगी, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत मज़ेदार हो। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल जम्मू।